वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है, मजेदार तरीका से और नए जोश जुनून के साथ एक एक क्वेश्चन को डीपली देखेंगे। आपको ये गारंटी है कि हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और मैथमेटिक्स में आप तो मास्टर बन जाएंगे। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ आप लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में इसमें भी क्या निकालना है? रूट्स निकालना है, यानी मूल निकालना है। मूल का मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा? इसको सॉल्व कीजिए भाई। ये कैसे सॉल्व होगा? एक काम ना कीजिए, बट्टा का जोड़ आता है तो ये यहाँ पे 1 मान के बट्टा का जोड़ कीजिए, x हो जाएगा। ये कीजिएगा तो आप हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अगर आपको ये एक्स वाई वाला बट्टा का जोड़ नहीं आता है तो वो भी पूछिएगा कमेंट करके। देखिए अभी आपके अंदर जो डाउट है वो पूछ लीजिए, खत्म हो जाएगा। एग्जाम नजदीक आएगा उस समय आप इतना आपके दिमाग पर प्रेशर रहेगा कि सब सब्जेक्ट को फैला दीजिएगा, समझे में नहीं आएगा कौन सा पढ़े। ये पढ़िएगा तो उसका टेंशन, गणित पढ़िएगा ये मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो फिजिक्स का टेंशन, ये टेंशन लगा रहेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, जो भी डाउट है अपने टीचर से या फिर आप अगर इस चैनल से पढ़े तो इसमें कमेंट करके उसे पूछिए, ठीक है? नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और अगर आप पछताएंगे तो देखिएगा जैसे रिजल्ट आता है इस तरह आपके रिलेशन में कोई फोन नहीं करेगा, लेकिन रिजल्ट आता है तो पूछेगा ओकर का भाई लो, इसी तरह होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा, इंसल्ट होने से बचिए। जब भी बीच में क्या हो, इक्वल टू हो, तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब इसको प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो एक्स स्क्वायर इतनी सजा के लिखिएगा 3x और माइनस 1 बराबर 0। ये प्लस में था, इधर आ गया तो किस में हो गया? माइनस में। आई लास्ट में 1 लिख दिए। अब लग रहा है ना द्विघात समीकरण की तरह, ऐसा लग रहा है ना? अब ये द्विघात समीकरण है तो इसको फॉर्मूला पे बनाइए। d बराबर, रूट्स निकालना है ना मूल, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर कितना हो गया? b कितना है? तो यहाँ 3 है, देखिएगा यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 और माइनस 4। a कितना है? 1, और c कितना है? तो माइनस में 1 है। माइनस कभी नहीं छोड़ेंगे। 3 3 का 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है? 9 और 4 कितना होता है? तो d बराबर हो जाएगा 13। जब d बराबर 13 आ गया तो निकालना है हमको क्या? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बट्टा में 2a माइनस बी। तो नहीं, ध्यान से समझिएगा, b बराबर कितना है? b बराबर है माइनस में। ये b, ये देखिए यहाँ पे होता है 1, a जिसको कहते, तो कुछ नहीं है तो हम a क्या मानेंगे? 1 मानेंगे ना। वैसे ये b, तो b माइनस 3 है, ऑलरेडी एगो एम ए माइनस, तो एगो माइनस ई या माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो खाली b बराबर यहाँ का भरना 3 प्लस माइनस। d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू अभी आप निकाले कितना? 13 अब बटा 2 ए, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 अब बटा में 2। अब एक काम कीजिए, x बराबर एगो निकालिए प्लस के साथ, 3 प्लस रूट 13 बटा में 2। एक और निकालिए, 3 माइनस रूट 13 अब बटा में 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब यहाँ गौर से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में वही निकालना है क्या? रूट्स निकालना है, यानी x का मान निकालना है। ये भी कहीं द्विघात समीकरण बन जाए, ये तो समझ रहा है यहाँ पे ये इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में नहीं जा पाएगा, ये बात की बात है। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे ताकि x का मान निकल जाए? तो ये लग रहा है ना कि बट्टा का क्या है? घटाव है, तो इसको हम इधर उतारते हैं। क्या लिखा है? 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है? ये दोनों का लघुत्तम यानी एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा x + 4 और ये हो जाएगा x - 3। जब एलसीएम नहीं होता है तो गुणा कर देते हैं, तो इसमें ऐसे ही गुणा करते हैं। भाग दोगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ये, और ये गुणा कीजिएगा तो x - 7 और माइनस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? x + 4 इज इक्वल टू 11/30। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं कि जब भी बीच में बराबर होता है तो तिरछा तिरछी क्या करते हैं? गुणा करते हैं। उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें। x में x से बताए, एक काम कीजिए, x - 7 और माइनस x और ई हो जाएगा कितना? माइनस प्लस माइनस में 4 और बट्टा में, इसको भी चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं। x में दोनों से गुणा कीजिए, फिर 4 में दोनों से। x में x से तो हो जाएगा x² x में -7 से तो -7x और ई हो जाएगा 4x और ये 4 7 28 4 7 28 हो जाएगा।
इज इक्वल टू, इधर का बचा 11 बट्टा 30। हम इधर पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, ये x से x कट जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 7, अब माइनस में 4, तो 7 और 4 माइनस में कितना होता है 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका x स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा कितना होगा, तो माइनस में क्या बचेगा 3x, और माइनस में इधर 28 इज इक्वल टू 11 बट्टा 30। आप यहां पे चाहेंगे ना तो 11 से 11 कटा सकते हैं इधर एक बार में, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो 30 में 1 से गुणा होगा तो माइनस में 30 बचेगा, और 1 में इधर होगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 0, x बराबर माइनस 3x माइनस 28, माइनस में इधर गया तो प्लस में 30, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 जाएगा तो प्लस में 2। इधर जीरो मत लिखो, अच्छा नहीं लग रहा है, इधर जीरो लिखो। अब बताइए द्विघात समीकरण ये हो गया कि नहीं, तो जब ये द्विघात समीकरण हो गया तो इसको फॉर्मूला पे बनाइए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या है, तो b कितना है, अब यहाँ पहले लिख भी सकते हैं, बी बराबर ए बराबर लिखिए, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 3 और सी बराबर हो जाएगा आपका 2। अब d बराबर विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर b कितना है, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है तो 1 और c है 2, 3 तरीका हो जाएगा 9 और माइनस 4 दूना 8, 9 में से 1 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1। d का मान कितना आ गया 1, तो जब d का मान 1 आ गया, देखिए ध्यान से समझिएगा, d क्या आया है 1 आया है, यानी 0 से बड़ा आया है ना, तो इसका दूगो आंसर होगा। आप तो जानते हैं कि सबका दूगो आंसर होता है, द्विघात का दूगो आंसर होकर बेकाएगा, जितना पावर उतना आंसर, लेकिन अगर 0 से बड़ा आएगा तो दोनों आंसर अलग अलग आएगा, अगर 0 के बराबर आता तो दोनों जो दो आंसर आता है एक ही जैसा आता है वो सेम टू सेम मिलेगा। वैसे हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लें, डायरेक्ट ये द्विघात समीकरण x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। यहाँ देखिए माइनस बी, बी कितना है, तो बी यहाँ पे देखिएगा माइनस में 3 है, तो एगो हेमे का माइनस है एगो इसमें का, माइनस माइनस खत्म हो गया यानी प्लस हो जाएगा, बी बराबर डायरेक्ट 3 बार ये प्लस माइनस, डी का मान कितना आया है 1 आया है अब बटा 2, ए का मान कितना है तो ए बराबर 1 है, एक्स बराबर प्लस माइनस, एक का वर्गमूल एक ही होता है, यहाँ 3 होगा और 2 एकम 2, एक बार प्लस वाला लीजिए, एक्स बराबर ये सब है 3 प्लस 1 बटा 2, तो 3 और 1 4 बटा 2, 2 दूना 4, x बराबर एगो 2 आया, ठीक। एक बार x बराबर लीजिए x, ये प्लस एक बार लिए एक बार माइनस लीजिए, 3 माइनस 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा 2, 2 वन जा 2, x बराबर क्या आया 1, तो एक बार आया x बराबर 2 और एक बार आया x बराबर 1। तो यही है आपका द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से ये बना है, तो लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, बहुत ही जबरदस्त तरीका से बनाएंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।